भारत मेडिकल टूरिज्म यानी स्वास्थ्य पर्यटन के तौर पर तेजी से उभरा है और अब छत्तीसगढ़ में भी इसकी बेहतरी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सोमवार को रायपुर के संजीवनी कैंसर अस्पताल में राजधानी के डॉक्टर्स और अस्पताल संचालकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आए ख्याति प्राप्त डॉक्टर प्रेम जग्यासी ने प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म और फैसिलिटीज को लेकर यहां के डॉक्टरों से चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि कम लागत में विश्व स्तरीय चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होने की वजह से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा यूरोप के कई देशों और अमेरिका से भी मरीज भारत इलाज के लिए आ रहे हैं और ज्यादातर इलाज महानगरों में ही किए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अस्पताल भी अब उस स्तर के हो चुके हैं कि यहां भी विदेशी मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। टूरिज्म प्रमोट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि कोई भी डेस्टिनेशन जो मेडिकल टूरिज्म प्रमोट करना चाहता है उसके पास क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज होना चाहिए, वो अच्छा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, ठीक है, नंबर एक चीज। और नंबर दो कि अगर पेशेंट उन देशों से आ रहे हैं जहाँ पे उनको कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर महंगा है या कॉस्ट अफोर्डेबल नहीं है, तो उनके लिए एक रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। तो जब मैंने रायपुर के हॉस्पिटल्स में विजिट किया, अलग अलग, आप चाहें तो हमारे कैंसर सेंटर में विजिट किया, प्लास्टिक सर्जन, बर्न यूनिट, IVF सेंटर, ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर, वेलनेस सेंटर और हमारे EMT सर्जन के भी हॉस्पिटल्स मैंने जब विजिट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इन सारे हॉस्पिटल्स के पास जो सर्विसेज अवेलेबल है वो समकक्ष है हमारे दूसरे इंडिया के हॉस्पिटल जो अलग अलग शहरों में है। अब इंडिया में करीबन 30,000 करोड़ रुपए का मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस हो रहा है, लाखों की तादाद में फॉरेन पेशेंट्स इंडिया में ऑलरेडी आ रहे हैं। इंदौर में चालान के लगातार